नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 2 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारने वाला सौतेला पिता हुआ गिरफ्तार। भाईंदर पुलिस ने एक ऐसे कलयुगी सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है जिसने 2 साल की मासूम बच्ची को महज इसके लिए मुंह और नाक दबाकर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि बच्ची की मां के काम के जाने के बाद बच्ची बुरी तरह रो रही थी। बच्ची की मौत के बाद बच्ची की मां आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रही है। भाईंदर पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी 2 साल की बच्ची को न्याय दिलाने की आस लिए बैठी इस मां का दर्द कोई रहमदिल इंसान ही समझ सकता है। कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए बच्ची की मां ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है, ताकि दोबारा कोई कलयुगी बाप इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। घटना की जानकारी मिलते ही भाईंदर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक MB पाटिल ने घटनास्थल का दौरा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आरोपी महिला का दूसरा पति है। बच्ची का लालन पालन और उसकी देखभाल उसे करना पड़ता था, इसलिए वो बच्ची से काफ़ी ईर्ष्या रखता था। वारदात के दिन जब बच्ची की माँ सुबह काम पर गई, तब बच्ची घर पर जोर जोर से रो रही थी। बच्ची की रोने की आवाज़ से खींचकर आरोपी ने गुस्से में उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की। इसी दौरान बच्ची की सांसें रुक गई और बच्ची की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। नाम क्या है? पूजा। पूजा जी, क्या हुआ था, किस तरह से आपको फोन किया था, क्या मामला है? मेरे खाली इतना ही बोले थे कि लड़की गिर गई है घर पे गैस के ऊपर, और बोला कि दवाखाना में आ जा किधर भी है तू। तो मैं साहब जब दवाखाना गई ना, तो मेरे को डॉक्टर, मैं लड़की को पहले देखने गई थी, देखी तो मैं डॉक्टर को जाके पूछी कि क्या हुआ नहीं हुआ। डॉक्टर लोग ने बोला कि ये मतलब जब तक लेके आए तब तक लड़की मतलब ऑफ हो गई, और कुछ ज़्यादा मेरे को बताया भी नहीं ये लोग ने। क्या वो जिसने किया उसने भी मेरे को कुछ नहीं बताया कि कैसा हुआ क्या हुआ, कुछ भी नहीं बताया मेरे को। मेरी लड़की के लिए खाली डॉक्टर ने खाली इतना ही बोला कि लड़की जब तक लेके आया तब तक वो ऑफ हो गई है। अभी जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि आप उन्होंने ही आपकी बच्ची की हत्या की। हाँ, उन्होंने ये बताया कि उसका मतलब इधर और इधर मुंह दब के मतलब उसको मार डाला है। सुबह सुबह ये हादसा हुआ है, मतलब 8 बजे के आसपास उसका ये सब कर दिया है उसको। आप काम पे गई थी, क्या काम करती हूँ? मैं ऐसे तो कैटरेस पे जाती हूँ, उस दिन भी जा ही रही थी, गई थी, और तब तक मेरे को सुबह ये बात मालूम पड़ा, 9:30 बजे के आसपास ही सब कुछ मुझे मालूम पड़ा। और घर पे भी किधर गई नहीं, मैं डायरेक्ट दवाखाने में ही गई हूँ, टेम्बा हॉस्पिटल में गई थी। अब क्या बोलेंगे इस पूरे मामले के बाद, क्या बोलेंगे, क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहती, खाली मेरी लड़की को न्याय देना। सबसे देखो सर लोग से भी यही कर रही कि मेरी लड़की को जो भी उसने किया उसको बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दो, और मेरी लड़की के लिए दुआ करो बस। ये 2 तारीख को सुबह 9:30 बजे की बात है। ये जो महज जो बच्ची है 2 साल की, ये अपने माँ और वो माँ का दूसरा पति इनके साथ में रहा करती थी, लेकिन ये जो बच्ची है ये उसके पहले वाले पिताजी की संतान थी। और फिर ये दूसरा जो पति है उसका, उसको ये चाहता नहीं था क्योंकि उसकी बेटी नहीं थी, और उस दिन सुबह से वो रो रही थी। माँ 8:30 बजे उठ करके काम पे चली गई थी और ये सुबह से रो रही थी, उसने इरिटेट होकर के उसका नाक और मुंह दबा के मार दिए। सर, ये इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या धाराएं लगी उसको? हाँ, हमने उन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पोस्टमार्टम करने के बाद बच्ची का एग्जैक्ट मृत्यु का कारण पता चला हमको। हमने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और धारा 302 के तहत हमने मुकदमा दायर करके उसको अरेस्ट किया, और मेहरबान कोर्ट ने उनको 7 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड दिया। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसकी पार्श्वभूमि क्या है, क्या करता है? ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, रहने वाला देश मूलतः UP का है, उत्तर प्रदेश। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7